also tell kids the exact same background, same kapde. It is right after the monthly favorites ki main shoot kari hu. The same story time what I told you in the monthly favorites yaar ke how I got the permission to move out and how we found the house and how everything happened. Main sochi thi ki main thode din baad shoot karte ho video lekin mereko abhi shoot karna hai. I'm really in a good mood to just talk. So let us begin. Firstly let me begin with telling you exactly mereko move out kaise karna tha. So I love spending time with family. I am a super family oriented person aur mereko move out karna hi nahi hai. But mereko jagah kam pad rahi hai for sure and that is why I wanted to kind of move out where aadha time udhar aadha time idhar type scene ho but aadha time udhar mein mummy papa bhi udhar chahiye bhai. I don't want to be alone. Isliye same building mein mereko chahiye tha ghar. What were the obstacles? Number one, the rent. Usually I know ke it's just a ballpark ke Mumbai rent is expensive. I'll give you an idea ke yahan ka rent kitna hai. Half a lakh. 50,000 rupees. That was something जो मेरे को काफी टेंशन में डाल रखा था कि how are we going to manage it? I waited for there to be a point जहाँ पे मैं एक साल का at least rent जमा कर लूँ, so that मेरे को ये नहीं सोचना है every month कि ये महीने का rent निकल पाएगा कि once वो पूरा amount मैंने जमा कर लिया हो, that is when I decided to tell my parents कि hey can we please do this? Can we take a house on rent in the same building? Kind of expand our home and me partially moving out. You know what they said? No, it was a डायरेक्ट स्ट्रेट अप नो. देर लाइक कोई जरूरत नहीं है, तेरे को जो करना है भाई तू इधर कर. तेरे को स्टडी रूम भी दे दिया है, तेरे को उसको गोडाउन बनाना है, स्टूडियो बनाना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू डू, बट देर इज नो नीड टू मूव आउट. एंड आई एम लाइक आपको प्रॉब्लम क्या है? सेम बिल्डिंग में हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ, वेयर इज द इशू? एंड दे वर जस्ट नॉट कम्फर्टेबल विद इट. दे वर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि मेरे को एक्चुअली स्पेस क्रंच कितना हो रहा था. सीन क्या है कि माई पेरेंट्स हैव अ लाइकिंग कि उनका घर एक तरीके से हो. एक तो उनको ऑर्गेनाइज चाहिए, विच आई अंडरस्टैंड एवरी पेरेंट वॉन्ट्स. इवन आई डोंट लाइक टू स्लीप इन अ क्लटर्ड रूम. मेरे से हर बार शूट के बाद सफाई नहीं होती एंड यार सामान ही इतना सारा होता है. आई नीडेड मोर स्टोरेज, लेकिन मैं स्टोरेज खरीद नहीं रही थी बिकॉज फिर उनका इंटीरियर खराब होगा ना. अगर पूरे घर में कबाट कबाट होंगे तो आई डोंट थिंक दे वुड लाइक इट, बट दे डिड नॉट गेट इट. अ फ्यू मंथ्स पास्ट एंड आई एम लाइक ठीक है चलाते चलाते. तो मैंने आईकिया से 4 ऐसे ड्रॉवर्स मंगाए, मैंने 2 स्टडी रूम में डाले, 2 इधर डाले. दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू के रूम थोड़ा चेंज हो रहा है, बट यार वो आते से भर गए एंड कोई जगह बची नहीं. एंड दैट्स व्हेन आई काइंड ऑफ फ्रीक्ड आउट के ब्रो आई need the space. They were very worried के मैं दूर जा रही हूँ उनसे. Dad was worried about finances also के bro आधा लाख रुपए तू किधर से निकालेगी as expenses and other team expenses also ना. We are a big team ना. How are you gonna pay salaries and rent and everything? तू कर क्या रही है तेरे life के साथ? फिर मैंने उनको बैठ के मैं planning, financial planning मैंने बताया कि तेरे को ये है. फिर car का EMI वो सब मैंने बताया how I planned and he got convinced कि चल तू finances तो तूने बराबर plan किए, which was a very proud moment for me. If your father says that finances बराबर plan किए, bro it is a proud moment. तो finances हो गया, but then मम्मी फुल इमोशनल हो गए. शी स्टार्टेड क्राइंग. कुछ साल तक तो है तो मेरे पास. आई टेल यू मैं ऐसी हूँ कि मैं शादी के बाद छोड़ ही नहीं सकती. इनफैक्ट आई एम गोइंग टू स्टे हियर एज वेल, दे नो इट. बट थोड़ा इमोशंस किक इन हो गए मम्मी को. थोड़े साल तक तो है साथ में, उसमें भी तो को अलग रहना है. देन इट टुक मी अनदर डे टू एक्सप्लेन टू हर के मेरे को परमानेंटली शिफ्ट नहीं होना है. ऑनेस्टली आई टेल यू अ फ्यू बिल्डिंग्स अवे नो मेरे को काइंड ऑफ आधे खर्चे में भी काम हो जाता. आई वुड गेट अ लिटिल बिट स्मॉलर स्पेस तो 25-30 हजार में भी निकल आता. बट आई वॉन्ट टू स्टे हियर. अगर अलग बिल्डिंग होगी ना तो वो लोग नहीं आ पाएंगे. सेम बिल्डिंग है ना तो एक सेकंड में हम लोग ऊपर नीचे कर लेते हैं. एक्सप्लेन टू हर, देन शी गॉट काम डाउन. देन केम द फेज वेयर दे लाइक हम हमारे फ्रेंड्स से बात करते हैं, देखते हैं बिल्डिंग में कितने फ्लैट्स अवेलेबल है. एंड दैट डे आई वॉज लाइक हार्श. इट टुक मी अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम टू कन्विंस देम. लेकिन उसके बाद पता चलता है कि सिर्फ 2 फ्लैट्स अवेलेबल थे यहाँ पे फॉर रेंटिंग आउट. दोनों ये घर के ऊपर ही थे, विच आई वॉज एक्साइटेड अबाउट. मेरे को थोड़ा सा हाइट मजा आता है. आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ हाइट. ये घर में ना ग्रिल्स नहीं है, द विंडोज आर फुल्ली ओपन. दे आर नॉट फुल्ली ओपन कि यू कैन फॉल, आधे तक है बट देयर इज नो ग्रिल, यू नो. तो इट्स ओपन तो मजा आता है मेरे को. तो हम पहला फ्लैट देखने गए जिसका लेआउट ये फ्लैट से अलग था एंड आई एक्चुअली रियली लाइक्ड इट. द ओनली थिंग आई डिड नॉट लाइक वाज द व्यू. सामने का व्यू दूसरी बिल्डिंग का था एंड मैं जहाँ करंटली रहती हूँ ना घर से टेक्निकली कोई बिल्डिंग नहीं आता है, सारा खुला ही है. आई एम नॉट यूज टू इतने नजदीक एक बिल्डिंग होने को एंड आई लाइक जस्ट रोमिंग इन वॉट एवर क्लोथ्स आई फील लाइक. आई एम नॉट वेरी कॉन्शियस लाइक दैट, बट आई वाज स्टिल लाइक सिंस इट्स अ डिफरेंट लेआउट आई वाज एक्साइटेड टू सेट इट अप कि एक अलग वाइब आएगा. दूसरा घर देखा ना वो सेम डिटो डिटो
डिटो सेम ये घर का लेआउट था, बस फ्लोर अलग था. बिकॉज वी ऑल वांटेड टू चेंज, वी वेंट फॉर दैट. द मोमेंट वी टोल्ड द ब्रोकर कि हाँ पहला वाला घर फाइनल कर दो, आई हैड अ वियर्ड फीलिंग इन माय स्टमक. द व्यू वो मेरे को नहीं बैठा. आई वाज थिंकिंग कि यार मैं तो फिल्म भी करूंगी तो काफी बार चेंज करना होगा, तो हर बार पर्दे लगाने पड़ेंगे या क्या सीन होगा. एंड यू डोंट बिलीव, इट डिडंट वर्क आउट. बाय डिफॉल्ट दूसरा ही घर अवेलेबल था, तो वी लाइक तो फिर वो कर दो. आई एम वेरी 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 हैप्पी विद द होम वी फाउंड. आई विल गिव यू अ मोर इन डेप्थ फ्लैशबैक ऑफ सीइंग द होम. वो होम व्लॉग में मैंने थोड़ा कम दिया था, इसमें आई विल गिव यू मोर. देखिए कैसा एक्सपीरियंस था पूरा. टुडे इज द फर्स्ट टाइम वी आर गोना सी द फ्लैट. Oh, this takes me back to when we were going to move in. Oh my god. October 28th, 12th, doing a layout. How we want to set up the home. Pinterest खोल के रखा है. Home sketch pen, sand paper. This is my interior designer. Oh, this is the layout we've made. This is empty space. First room, common bathroom, attached bathroom, middle room, last room, balcony, kitchen, balcony. Now I'm gonna give you थोड़ा सा present का story time कि अभी हो क्या रहा है. तो पहला महीना almost खत्म होने आया and all I've been able to do is set it up. That's it. मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है वहाँ पे. Furniture setup हो गया है, which is a great thing. पर painting is most important क्योंकि मेरे को वहाँ पे full fledged रहना है. I don't feel comfortable living in a blank white home right now. I don't know why. 99% कल painting start करूँगी. कल मतलब 12 नवंबर को, ये मैं शूट कर रही हूँ 11 नवंबर को. तो स्टोरीज से आपको पता चल गया होगा कि मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया है कि नहीं. हाउ एम आई सेटिंग अप द होम एग्जैक्टली इज फर्नीचर मैंने मोस्टली आइकिया से मंगवाया है बिकॉज आई ऑलरेडी हैड 4-5 दीज काइंड ऑफ ड्रॉवर्स हियर. तो पूरा मैच हो रहा है एंड दीज आर वेरी इजिली मूवेबल. बहुत आसानी से मैं ये घर से वो घर लेके जा पा रही हूँ एंड दैट इज व्हाई आई एम स्टिकिंग टू आइकिया कि मूवेबल फर्नीचर जरूरी है. अभी टेक्निकली ये वाला कबाड भी काइंड ऑफ मूवेबल है बट इतना पोर्टेबल नहीं कि मैं खुद कर पाऊँ. मेरे को किसको बुलाना पड़ेगा, तो मेरे को वैसा झंझट मारे नहीं चाहिए. I'm just gonna stick to IKEA. Material हल्का है. I'll tell you, material is हल्का. अगर आपको अब custom made furniture की आदत है, अच्छे quality की आदत है, तो आपको IKEA नहीं पसंद आएगा. Like my bed is इतना हल्का compared to mom and dad's bed के if I like laugh थोड़ा loudly while talking on the call तो भी थोड़ा bed हिलने लगता है. It's not gonna break at all, but it's just light in weight. उसी से मैं पूरा setup कर रही हूँ. Bed के लिए मैंने sofa कम bed सोचा है because I like the vibe. तुमको कभी shoot करना रहेगा तो मैं आराम से उसको अंदर डाल सकती हूँ. कभी अगर सोना रहेगा तो आराम से उसको बाहर खींच सकते हैं. तो लॉट ऑफ पीपल वर लाइक ब्रो व्हाट अबाउट फ्लोर बेड, बिकॉज़ आई एक्चुअली लाइक स्लीपिंग ऑन द फ्लोर एंड मैंने ये रूम में एक प्रॉपर बेड डाल दिया है. तो फ्लोर बेड ऊपर मिला है मेरे को, इसलिए आई एम नॉट वरीड अबाउट व्हेन विल आई गेट टू स्लीप ऑन द फ्लोर बिकॉज़ आई विल डू इट अपस्टेयर्स. और पेंटिंग मेरे को खुद ही करना था. आई स्पेंड 5 आवर्स डिजाइनिंग इट माई सेल्फ कि मेरे को कौन सा कलर किधर डालना है. हेवीली इंस्पायर्ड बाय पिंटरेस्ट बट द कलर्स एग्जैक्टली मैंने कुछ चूज किया है. हियर आई हैव इट. मैं ये टैबलेट लेके जाती हूँ और उनके पास जो शेड कार्ड रहता है ना उसको इसके ऊपर रख के आई मैच इट द क्लोजेस्ट कलर. आई ट्राई टू शो यू ऑल डिजाइन. एक वो ट्राइंगल वाला डिजाइन ऐसा दिखता है. एक है ओम्ब्रे ब्रिक. ओह माय गॉड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसके लाइट साइड पे अपना ड्रेसिंग टेबल आएगा विद द सर्कल मिरर. वो अभी तक आया नहीं, आया कैसे, वो अब आएगा. फिर है एक ये ठीचुक ठीचुक, दैट्स व्हाट आई कॉल. आई कॉल थिंग्स रैंडम नेम्स जो मैं खुद बनाती हूँ. तो उसके नीचे आएगा वो कबर्ड. कबर्ड के ऊपर से थोड़ी ये ठीचुक ठीचुक आएगी. दैट्स इट फॉर द वॉक इन वार्डरोब. लास्ट रूम में ऐसे एक रेनबो एक पोलका डॉट वॉल है. एक वॉल बनेगी. आई डोंट नो कॉल इट बट दिस इज व्हाट यूजुअली यूट्यूबर्स कॉल इट, अ फैन आर्ट वॉल. बिकॉज़ व्हाटएवर आर्ट वर्क यू मेक फॉर मी इन जनरल, यू डोंट हैव टू मेक इट फॉर मी. आई एम नॉट आस्किंग यू टू मेक एनीथिंग, बट इन जनरल जो आप इतना सारा प्यार देते हो ना, व्हेनेवर वी मीट, ऑल द लेटर्स एंड ऑल द ड्रॉइंग्स एंड ऑल द डिजिटल आर्ट वर्क दैट यू डू, वो मैं स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट करूंगी, वो मैं चिपकाऊंगी वो वॉल पे. बहुत एक्साइटेड हूं. मैंने गैबी हैना से इंस्पिरेशन ली है. शी हैड अ वॉल लाइक दैट. तो जब से मैंने देखा आई थॉट कि एक दिन ऐसा कुछ करूंगी. एंड वही वॉल के दूसरे हाफ पे आएगी ये डिजाइन जिसके साइड पे आएगा ऐसा ये प्लांट कॉर्नर. तो ये था मेरा इंस्पिरेशन फॉर दिस. तो एज यू कैन सी काफी सारे एकदम सेम है पिंटरेस्ट से जो मैंने लिए. कुछ कुछ मैंने थोड़ा कलर्स डिसाइड किया है बट इट्स मोस्टली इंस्पायर्ड फ्रॉम पिंटरेस्ट. आई थिंक ओम्ब्रे वॉल, ओम्ब्रे ब्रिक वॉल मेरा वो जी आइडिया था. दिस इज द स्टोरी टाइम, हाउ आई गॉट द परमिशन टू मूव आउट, हाउ आई एम सेटिंग इट अप. इफ यू आर एवर प्लानिंग टू डू समथिंग लाइक दिस, बस मेरा एक एडवाइस है कि अपने मॉम डैड को इसमें साथ में लेके चलना. भले कितना टाइम लगे, मेरे को भी फर्स्ट रूम में परमिशन नहीं मिला. इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम फर्स्टली टू कन्विंस देम एंड देन टू मेक देम एडजस्ट. जस्ट बिकॉज दे से येस फॉर समथिंग इट डजंट मीन कि वो लोग एडजस्ट हो गए. फॉर एग्जाम्पल शादी जैसी बात को पकड़ लो. जस्ट बिकॉज दे आर हैप्पी कि आपकी शादी हो रही है, हैव दे एडजस्टेड टू द फैक्ट आपका टाइम डिवाइड होने वाला है,
दूसरे फैमिली के साथ, नॉट रियली. देयर योर पेरेंट्स आपकी भलाई चाहते हैं, बट उनकी फंक्शन करने की स्पीड अलग है. अभी अपने बाद की जनरेशन आ रही है, क्या स्पीड है वो लोग की. 15 ईयर ओल्ड इतना अच्छा मेकअप और इतना अच्छा फैशन और टाइम इन्वेस्ट करते, इतना रिजल्ट लाते कि मैं 22 की उम्र में भी नहीं कैच अप कर पा रही. तो वैसे ही गिव देम अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू एडजस्ट इन जनरल. दैट्स इट अबाउट द स्टोरी टाइम. भी मेरे को थोड़ा दिल और मन हल्का लग रहा है, ही कॉट अप ऑन व्हाट्स हैपनिंग. वरना तो मेरे को सिर्फ एक कमर्शियल चैनल लग गया था पिछले कुछ एक दो हफ्ते के लिए. बात रियल टॉक नहीं हो रही अपनी. जल्दी से आई ट्राई टू कम लाइव ऑल्सो, एक मस्ट फन लाइव स्ट्रीम करेंगे जल्दी. इफ यू एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो थम्स अप देना. अगर ये वीडियो देखने में मजा नहीं आया तो थम्स डाउन नहीं देना. सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको रेगुलरली वीडियोस देखना है ये चैनल पे तो. एंड आई विल सी यू इन अ ब्रांड न्यू वीडियो वेरी वेरी सून. अंटिल देन गुड बाय.